किया है कि मेरे द्वारा जो आसपास के ये हैं गांव हैं, जैसे बिंदु है तो बिंदु में भी दी है, भलसवा गाज है तो भलसवा गाज में भी ये सप्लाई करता रहा है, इसके अलावा बालूपुर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग करता है, इसके अलावा कुछ जो एडजॉइनिंग विलेजेस वहाँ पर भी ये सप्लाई करता था, और कई लोग जो कि सिरपुर जाते हैं इसी रास्ते से तो उनको भी इसके द्वारा सप्लाई की जाती थी। इससे अभी बात किया है सोम से, ये उस दिन जो 6 तारीख को और 7 तारीख को इन्होंने जो उसको एक कम्यूटिंग पॉइंट है वहाँ पे, हमारे गांव के काफ़ी लोग भी ये इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं, जैसे हमारे माही गांव, माही कोटा, केशपुर, सलेमपुर, शरबतपुर और ये खेड़ा मोहल, इस तरह से तमाम गाँव के लोग भी इनसे जो यानी कि जब उस दिन जो तो सिरपुर है यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो पॉइंट है वहाँ पे इनके द्वारा वो किया गया है, और जो इन्होंने जो बिंडू गांव में और तमाम आसपास में उनके जो लोग हैं और हमारे यहाँ पे जो लिए थे उनसे वो भी काफ़ी लोग मर चुके हैं, तो इसके अलावा अभी जो जिनका नाम उन्होंने लिया है हरगे उनको किसने शराब दिया, इसने बनाया या कहीं से मंगवाया, इस संबंध में हम लोगों को जब वो मिलेगा इन्वेस्टिगेशन में जाँच आगे बढ़ेगी तब कुछ कहेंगे। ये तो अभी जो कह चुका है इसका आपराधिक इतिहास भी है, इनके आपराधिक इतिहास है जो ये पुनेन गांव है, पुनेन गांव में भी, हाँ पुनेन गांव में भी जो सिख कम्युनिटी के हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है, पूर्व में भी, हाँ पूर्व में भी वहाँ से भी डेरे गागल हेडी से पता किया है हमने, थाना गागल हेडी से, तो वहाँ से भी यहाँ लगातार लोग 60 एक्साइज एक्ट में और अन्य प्रिवेंटिव थानाओं में जेल गए हैं, तो उसका भी अभी जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके आपराधिक इतिहास का भी पता किया जाएगा। हाँ, ज्यादा नहीं। सोनू सप्लाई किसने करी सर आप? उसके लड़के ने करी, हरदेव ने। हैं? हरदेव ने। कहाँ से लेकर आया? पुणेन से। हैं? पुणेन से। अच्छा, कितनी शराब थी? 35 बोतल। कहाँ का सप्लाई की थी? कहाँ पर सप्लाई हुई है? मैंने जी मैंने बिंडो की थी, भलसवा की थी, बालोपुर की। कब से कर रहे हैं सप्लाई? और ये इनसे इंफॉर्मेशन भी ये पता चला कि जब ये सर्दी में जो फर्मेंटेशन भी कर रहा है तो बाहर से मंगाना भी शुरू किया है, इनके कस्टमर बेस बढ़ा है, तो इसी से मृत्यु हुई है, और इनका जो लिंक जो हरदेव से जुड़ा है वो अब गिरफ्तार करने के बाद उसका सोच पता चला। सर इतनी बड़ी घटना होना फैक्ट्स के समय उसके जड़ तक पहुँचने में समय लगता है, और जो भी ये जो पर्टिकुलर जो सर्किल अफेक्ट हुआ है जो कि सेंटर बालोपुर और आसपास